नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट डीआरडीओ से है, जहां दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का यूज हेलीकॉप्टर के इंजन में होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, इनके पीछे अगर आपने देखा हो तो इनके इंजन से बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है। तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं और जो हेलीकॉप्टर होते हैं, इनके इंजन की एक बड़ी खासियत ये होती है कि ये काफी ज्यादा तापमान सहने की क्षमता रखते हैं, करीब 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। तो इसके लिए इसमें खास तरीके का एलॉय यूज होता है, मतलब कि मिक्स मेटल, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड के तहत बनाया जाता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। भारत में अभी 100% इंजन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम 100% मेड इन इंडिया इंजन बना सके एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के लिए। दोस्तों, इंजन के लिए हमें अमेरिका और यूरोप के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, इनके पास पहले से ही मौजूद है, तथा भारत में अब ये टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। दोस्तों, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स इंजन में यूज होते हैं। भारत ने जिस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, इसका यूज हेलीकॉप्टर के इंजन में किया जाएगा। वेल दोस्तों, डीआरडीओ ने ये तकनीक को विकसित कर लिया है। हालांकि अभी पूर्ण रूप से जो भारत है वो हेलीकॉप्टर के इंजन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे बहुत सारे जो इंजन के लिए जरूरी कॉम्पोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और इस खोज के बाद डीआरडीओ के जो रिसर्चर्स हैं, इन्हें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि ये और भी चीजों को डेवलप करें और आने वाले समय में भारत जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के इंजन होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज से संबंधित है, जहां दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटेन बेस्ड पार्टनर पीपी, इन्होंने दोस्तों मंडे को कहा था कि जो KG-D6 ब्लॉक इनका गैस फील्ड है, यहां पर दो डीप वाटर गैस फील्ड की खोज कर ली गई है। दोस्तों, ये लोकेशन आंध्र प्रदेश के काफी करीब है। इन गैस फील्ड का नाम सैटेलाइट क्लस्टर और MH क्लस्टर है। इनमें से सैटेलाइट क्लस्टर में गैस का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया है और ये काम 2 महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि रिलायंस और बीपी, ये दोनों मिलकर जो ये गैस फील्ड है, यहाँ पर जो KG-D6 लोकेशन है, यहाँ पर 3 गहरे गैस फील्ड की तलाश कर रहे हैं, जहाँ से ये गैस निकालेंगे। तथा इन्होंने कहा है कि 2023 तक भारत के अंदर 15% नेचुरल गैस की मांग पूरी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस गैस फील्ड में 66.67% स्टेक रिलायंस के पास है और बाकी जो बचे स्टेक्स हैं वो बीपी के पास, जो कि यूके बेस्ड एक कंपनी है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट IOC और BPCL से है, जहां दोस्तों कोरोना का नकारात्मक प्रभाव भारत के हेल्थ सेक्टर के बाद अन्य सेक्टर्स पे भी पड़ने लग गया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई। अचानक दोस्तों हमारे भारत में कोरोना का जो स्पाइक आया है, इसके कारण माइग्रेशन बिटवीन सिटी टू रूरल एरिया ये बढ़ गया है, जिसके कारण दोस्तों लोग शहरों से गाँव की तरफ जा रहे हैं। और इसके कारण जो बहुत ही ज्यादा समस्या आ रही है वो हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इंडस्ट्रीज को आ रही है। यहाँ पर वर्कर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इसी के तहत BPCL और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बहुत सारी रिफाइनरीज थी, जिनकी मेंटेनेंस का काम चल रहा था, उनके मेंटेनेंस के काम को बंद कर दिया गया है। जो टेक्नीशियन है, इनकी कमी है। इसके अलावा BPCL ने भी कई अपने प्लांट्स बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें लेबर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही बुरा दौर आने वाला है, क्योंकि अब देखा जाए तो अनपेक्षा से इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसकी अपेक्षा सरकार ने भी नहीं की थी, और आने वाला समय और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट इंडिया के यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार से है, जहां दोस्तों एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लक्षद्वीप लद्दाख के बाद अंडमान निकोबार के 14,491 हेक्टेयर एरिया को सर्टिफाइड कर दिया है ऑर्गेनिक खेती के लिए। दोस्तों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके तहत कुछ क्षेत्र को ऑर्गेनिक कृषि के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। इसका मेन मोटिव ये है कि ये जो रीजन है, यहाँ पर ट्रेडिशनल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाए, इसका प्रमोशन हो, यहाँ पर केमिकल यूसेज, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इन सब की यूसेज, खरीद बेच, इन सब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा, जहाँ पर भी ये स्कीम अप्लाई होगी। तो दोस्तों, जो भी चुने गए हैं वहाँ पर इन सब चीजों के लिए सख्त मनाही है। ये स्कीम खासकर हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, डेजर्ट, इनके लिए लाई गई है, ताकि यहाँ पर
ट्रेडिशनल खेती है वो जारी रहे और केमिकल यूसेज बिल्कुल भी ना हो, ताकि बाद में यहाँ पर जो पर्यावरण है इस पर बुरा प्रभाव ना पड़े। चलिए दोस्तों, भारत के अंदर कोरोना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को सीरियल वॉइस देखते हैं। दोस्तों, आरएसएस ने नोएडा सेक्टर 12 में आइसोलेशन सेंटर स्टैब्लिश कर दिया है 25 बेड्स के साथ, जहां पर ये इसकी कैपेसिटी को 50 बेड्स करने वाले हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि यहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़कर, तो यहां पर अभी इसलिए जिनके पास जो माइनर सिम्टम्स वाले कोरोना पेशेंट हैं उन्हीं को यहां पर एडमिट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने 6 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर एयरलिफ्ट किए हैं फ्रॉम दुबई टू पनागढ़ वेस्ट बंगाल। अब दोस्तों, इन्हें भारत के अन्य क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वहीं दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर ये कहा है कि हम भारत के साथ हैं और भारत को करीब 8 ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर तथा आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई करेंगे, ताकि भारत कोरोना से जंग लड़ सके, और ये सब हम बहुत ही जल्दी करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन जनरेटर से ऑक्सीजन इंस्टेंटली बनाई जाती है फ्रॉम एयर। वहीं दोस्तों, डीएमके से राज्यसभा मेंबर तिरुचि शिवा ने सेंटर से कहा है कि बीपीसीएल की त्रिची यूनिट को शुरू करें। दरअसल दोस्तों, बीपीसीएल की त्रिची प्लांट बंद कर दी गई थी और यहां पर 3 ऑक्सीजन यूनिट है जिनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 520 मेट्रिक टन पर डे है, यानी कि ये इतना ऑक्सीजन यहां से पर डे प्रोड्यूस कर सकता है अगर सेंटर यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। क्योंकि दोस्तों, बीपीसीएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो यहां पर अगर सेंटर गवर्नमेंट बीपीसीएल को आदेश दे देती है तो टेक्नीशियंस की मदद से 15 से 20 दिनों में इन ऑक्सीजन प्लांट्स को स्टार्ट किया जा सकता है तथा भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज को दूर किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने पीएसयू जैसे कि भारत डायनेमिक्स, बीईएमएल, एचएएल और भी बहुत सारी निर्देश दिया है कि वो अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट में इमरजेंसी फैसिलिटीज को सेटअप करें पूरे भारत में, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ऑक्सीजन फैसिलिटी एस्टेब्लिश करें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की जो शॉर्टेज है इसको कम करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है बीपीसीएल भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स को कि वह अपने क्लोज्ड सेंटर पब्लिक यूनिट सीपीएसई जो कि प्रयागराज के नैन में स्थित है इसको ओपन कर दे तथा यहां पर 3 हफ्तों में 3000 सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग करे। इसके लिए दोस्तों, 1 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिए हैं बीपीसीएल को। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट अजीम प्रेमजी से है, जहां दोस्तों इन्होंने एशियन प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवी पार्टनर के साथ करीब $7 मिलियन का इन्वेस्ट किया है माइक्रोप्लास्टिक्स में और इसकी मेजोरिटी स्टेक प्राप्त कर ली है। दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक्स टॉय और स्पोर्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। बेंगलुरु के अंदर इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तथा ये भारत के अंदर 100% मेड इन इंडिया टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, इसके डायरेक्टर ने कहा है कि देश के अंदर टॉय सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और यहां पर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड में इसकी डिमांड है तो एक्सपोर्ट में भी हमारा देश आगे हो सकता है और भारत का डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट से संबंधित है, जहां दोस्तों इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन को 2000 मार्च में करीब $13.52 बिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया है तथा भारत ने इस टाइमलाइन में नॉर्थ अमेरिका के एक्सपोर्ट को थ्रू यूरोपियन यूनियन इसको ओवरटेक कर दिया है। दोस्तों, बात करी जाए तो इंजीनियरिंग गुड्स में भारत बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत ने यूरोपियन यूनियन के मार्केट में अच्छा खासा शेयर प्राप्त कर लिया है। बात करी जाए तो इस टाइमलाइन में नॉर्थ अमेरिका से यूरोपियन यूनियन में करीब $13.19 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ। वैसे तो अभी बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों फिर भी हमारे भारत ने ओवरटेक कर दिया है। अभी माइनर डिफरेंस है, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो और मजबूत होता जाएगा तो हम इनको और भी क्रॉस करेंगे एक्सपोर्ट में इन यूरोपियन यूनियन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।